छोटी सादड़ी से खबर है जहां पर क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सादड़ी में जारी निजी एम्बुलेंस संचालकों के मनमाने रवैये को लेकर उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मृतक के पुत्र राजेंद्र राव मल्होत्रा ने बताया कि दिनांक 23 सितंबर 2020 को मेरे पिता राधेश्याम राव पिता राम प्रसाद राव मराठा का एक्सीडेंट निमोड़ा रोड गुरुकुल के पास करीब रात्रि 9 बजे हुआ था, जिसके बाद उन्हें निजी वाहन की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सादड़ी लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। रेफर के दौरान निजी एम्बुलेंस के चालक हरिश्चंद्र ने अपने एम्बुलेंस से लगाकर उसमें से उन्हें बिठाकर उदयपुर ले जाने के लिए छोटी सादड़ी से रवाना हुए। रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर हरीश ने गाड़ी को पेट्रोल पंप के पास रोककर परिवारजनों से 3,000 की मांग की। परिजनों द्वारा पेशेंट की हालत गंभीर होने का हवाला देते हुए गाड़ी चलाने की बात कही और कहा कि उदयपुर पहुंचते ही तुम्हें पैसे सौंप देंगे। इस पर जब पैसिफिक अस्पताल उदयपुर पहुंचे तो डॉक्टर ने भी देखते ही नब्ज चेक कर कहा कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। हमने उक्त एम्बुलेंस चालक को डेड बॉडी छोटी सादड़ी पुनः ले जाने के लिए कहा तो उक्त चालक हरिश्चंद्र हमसे 2,000 की ओर अवैध रूप की मांग करने लगा। बहुत कहा सुनी के बाद हरीश को 2,000 दिए, तब जाकर उसने एम्बुलेंस छोटी सादड़ी लाया। तब रात्रि के लगभग करीब 2 बजे थे तथा यहाँ आते ही कहने लगा कि अब एम्बुलेंस में बॉडी रखनी है तो 1,500 रुपए और दो, नहीं तो बॉडी नीचे उतारो। इस पर हमने बॉडी को सरकारी अस्पताल के मोर्चे में ले गए। दिनांक 25 सितंबर 2020 को सामूहिक रूप से रूप समाज जन इकट्ठा होकर उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर उक्त घटना को लेकर समाज के अध्यक्ष नरेंद्र राव मराठा की अध्यक्षता में एक संरक्षक मार्तंड राव मराठा सुरेश राव भवर इत्यादि समाज के वरिष्ठ सज्जनों की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार से हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दी तथा पिछले दिनों भी एक एक्सीडेंट में घायल राहुल मीना की इसी प्रकार एम्बुलेंस चालकों की पैसों के लालच की वजह से मृत्यु हो गई थी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। यदि पूर्व में हुई इन घटनाओं से सीख लेकर कार्रवाई की जाती तो शायद आज पुनः राधेश्याम के परिवार के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती। ज्ञापन देने के दौरान सुरेश राव भंवर, महेश राव मराठा, रवि राव सावंत, नरेंद्र राव मराठा, भगत राव, राजेंद्र राव, कमलेश राव, नरेंद्र राव, रमेश मराठा, केसुंदा, पवन राव केसुंदा, पूरन राव, जीवन राव, पंकज राव, विमल राव, रोहित राव, अर्पित राव आदि मराठा समाज के लोग उपस्थित रहे।